कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप उसको सबसे पहले देख सकें। ये हम उस झरने पे पहुंच गए पुल के ऊपर और यहाँ से फकोट की चढ़ाई चालू हो जाएगी। हम इधर से आए थे और अब हम इधर से आएंगे फकोट की चढ़ाई। मेरे ख्याल 7 किलोमीटर की चढ़ाई है, बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है फकोट की। और कुछ बूढ़े हमारे उधर बैठे हुए हैं और कुछ चाय पी रहे हैं बूढ़े। ये वन विभाग वालों का ये हर चेक पोस्ट लगी हुई है, यहाँ से फकोट की चढ़ाई चालू हो जाती है। और चढ़ाई भी छोटी मोटी नहीं है काफ़ी, जो बूढ़े यहाँ पे आते होंगे उनको तो पता ही होगा कि फकोट की चढ़ाई क्या है। ये वन विभाग वालों का है ऑफिस और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं कि बीच के अंदर हम खड़े हुए हैं। दोनों साइडों में मेरे पहाड़ हैं, आपको थोड़ा आराम करके फिर कंटिन्यू हमें चलना पड़ेगा। जय बोले की ये हमारे बूढ़े हैं, थोड़े चाय वाय के लिए रुके हुए हैं, चाय पियेंगे उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे उसके बाद प्रस्थान करेंगे। जय बोले की ये मैं फकोट के लिए कम से कम 4 किलोमीटर आ चुका हूँ और आपको काफ़ी कंटिन्यू 4 किलोमीटर तक कंटिन्यू चढ़ाई चढ़ाई है। और फकोट जो जाना भी वो फकोट है, मैं जूम करता हूँ ज़रा, जो एक शहर सा नज़र आ रहा है वही फकोट है। ऊपर चढ़ना इसमें भी काफ़ी ऊंचाई पे है फकोट और अभी 3.5 किलोमीटर के करीब और है इस चढ़ाई, उसके बाद फिर आगरा खाल की चढ़ाई चालू हो जाएगी। वो इतनी ज़्यादा नहीं है, कम ही है, चढ़ाई तो है पर कम है वो चढ़ाई। जय भोले की, चलते हैं भोले। जय भोले की, आज है 9 फरवरी 2023 रात को आगरा खाल से 2 किलोमीटर नीचे रुके थे रात को और अब हम रेडी हो गए हैं कांवड़ लेने जाने के लिए। वो जो देख रहे हैं उधर से रोड जो बैंड आ रहा है, बहुत लंबा बैंड था रात को, ये दिखाई नहीं दे रहा था थोड़ा अंधेरा होने के कारण, अब थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है रोड। ये ऐसे रोड घूम के इस होटल में रात को हम रुके थे, यहाँ पे सारे भोले यहीं विश्राम किए थे। और ये हमारी कांवड़े झूल रही हैं, बाकी सारे भोले जा चुके हैं, हम 4 भोले रह गए हैं और अब हम भी चलने के लिए तैयार हैं। ये नीचे गांव में मकान ऐसे हैं, देखो कितना बढ़िया लग रहा है नीचे का नज़ारा। और ये ऊपर का है रोड जा रहा है, ये नीचे का है गहराई में, ये नीचे का कोई नाला वाला जा रहा है। सामने बादल का तिरंगा बना हुआ है, अभी सूर्य देव जी प्रकट नहीं हुए हैं, 7 बज चुके हैं। बोलो को बोलता हूँ कि भाई चलो जल्दी चलो। अरे बोले जी हो गया क्या तैयार, आओ कावड़ आवड़ बंधवा दो। क्या करने गया दलबीर? बांदरों की सेना, घनी बांदर हो रहे भाई अड़े तो, कितने बांदर ही बांदर है।
रात को इस रोड से आए थे और इस रेस्टोरेंट में गए थे। इस वाले रेस्टोरेंट में हम रात को रुके थे। होटल है कि ये फैमिली रेस्टोरेंट। बोले सब तैयार चले गए, कुछ रह गए, सामान पैक हो रहा है, सबके बैग वगैरह रखवा दिए गए कैंटीनर में। हुक्का हुक्का भी बंद हो गया, अब चलने की तैयारी हो गई है बूढ़ों की। और ड्राइवर साहब देख के हंस रहे हैं, ये बूढ़े की। अभी हम आगरा खाल यहाँ से 1-2 किलोमीटर के करीब बता रहे हैं, चलते हैं। ये बोलेगी जय भोलेनाथ की, जय गंगे मैया की। अब थोड़ी चढ़ाई रह गई है, एक आधे किलोमीटर की, उसके बाद फिर हमारी उतराई है गुंजापुरी तक। अब बंद करते हैं वीडियो और अब चलने की तैयारी करते हैं। जरा नगर के जंगल में से निकल रहे हैं हम, ये बोले हम थोड़ा सा, पूरा जंगल है, हाथियों की पोटी ताजा ही लगी हुई है। बड़े आराम आराम से बिना शोर किए हुए निकल रहे हैं। कर लो ना आप नंबर, वीडियो कॉलिंग करनी है तो। रात को यहाँ एक आश्रम था, उसमें रुके थे। और अब आज है 10 फरवरी 2023 और हमने अपनी यात्रा कर ली है अलग, क्योंकि वो जो बोड़ों के साथ हम रुके हुए थे ट्रक वाले, वो अभी यहाँ रुकेंगे आश्रम में और रुके हुए हैं, और वो भी आराम से जाएंगे। उनका रूट दूसरा था, वो मुजफ्फरनगर से अलग से निकलेंगे, इसलिए उनके और घोड़े आएंगे, वो उनका वेट कर रहे हैं। और मुझे दिल्ली निकलना है, तो मैं भी हरिद्वार से 4-5 किलोमीटर पीछे हूँ, और हर की पौड़ी से हरिद्वार से होता हुआ निकलूँगा बाज़ार में से। और जो भी होगा वीडियो को कैच करूँगा। अभी इस बार की सर्दी की ट्रक बहुत आ रहे हैं कावड़ियों के, इस बार सर्दी की कावड़ भी बहुत उठेगी। और बीच बीच में जो भी होगा दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। यह बोलेगी जय बोलेगी। ये हर की पौड़ी से आगे हैं आगे, और हरिद्वार का बाजार है ये, बाजार में से निकलते जा रहे हैं। कावड़ की वजह से बहुत भीड़ है यहाँ पे भी, कावड़ की शिवरात्रि की वजह से। दोनों दुकानें बाजारें की खुल चुका है पूरा, बाजार में खूब चहल पहल है, श्रद्धालु आ रहे हुए हैं दुर्गा मैया में नहाने के लिए और शिवरात्रि का जल लेने के लिए।
शिव मूर्ति कच्ची वाली आगे चलेंगे फिर वीडियो बनाएंगे। जय भोले की। आराम करने के लिए ये शनि जो मंदिर है इसमें रुके हुए हैं, आराम करने के लिए थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। और भी भोले बैठे हुए हैं यहाँ पे, गणेश हरिद्वार वाले भोले है। बोले बाबा पी लिया पानी, आप ही हो गए ठीक से। पंप लग रहा है पीने का पानी का है कि पीने का पानी है। ये देखो ये आश्रम है, मंदिर है, शनि मंदिर। यार रुके हो, अब चलने के लिए तैयार है, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा तो आज चलते हैं बोले जी। हाँ ये है, इसको सब्सक्राइब करो आप, सारी वीडियो को देखना आप। ये मेरी सारी यात्राएं है, सब्सक्राइब कर दो इसको आप, ठीक है ना। जो वीडियो में डालूंगा मेरी बना दो। वृंदावन जा रहा है, अरे बाप, वृंदावन शुभ कर रहे हैं, वहीं के रहने वाले हैं। क्या पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, क्या परिवार के लिए कर रहे हैं, क्या मनोकामना? अभी जब डालेगा, दिल्ली जाएगा जब डालेगा, आपको नोटिफिकेशन। आपने सब्सक्राइब कर दिया इसको, कर दिया ना इसको। कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप उसको सबसे पहले देख सकें। ये रुड़की इससे आगे चल के मंडावली, मंडावली का ये आगे बस ये फुरका जी से पहले ही एक मंदिर है शिव जी का, जहाँ पहले भंडारा लगता था बहुत पहले, वहाँ पहुँच गया हूँ। और अपनी कावड़ दिला रखी है मैंने, वो रखे मेरे बैग और कावड़ मेरे झूल रही है जंगले पे। बोले और भी रुके हुए हैं यहाँ पे, ये हाईवे है जिधर से हम आए हैं अभी। अब हमें फुरका जी जाना है, यहाँ से फुरका जी के लिए है रास्ता। ये मुजफ्फरनगर बाईपास जो निकलते हैं खेतों में से,
वही रोड पे हमारा एक है महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पे भंडारा भी है। अभी तो चाय बिस्कुट का भंडारा चल रहा है और दिन में शोर हो सकता है कि खाने का भी प्रचार है क्योंकि सब्जियाँ वब्जियाँ लगी हुई है। भोले ने कावड़ खूब जला रखे हैं यहाँ पे और आज है 12 फरवरी 2023। हमने भी कावड़ झुला के थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर रहे हैं। बड़ा ज्यादा लग रहा है, है? बोलो देखो जरा कैमरे की तरफ देखिए, बोले जय बोलेगी, जय बोलेगी, हर हर महादेव। रसोई चल रही है बोलो की, भोजन वोजन तैयार हो रहा है। ये भोले जी का मंदिर है अपना शिव जी जी का। भंडारे की तैयारी चल रही है घोड़ों के लिए। हमने सारा ही कवर कर लिया अंदर का। बजरंगबली जी की फोटो मूर्ति लगा रखी है वहाँ पे।